जब देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तब दुनिया गौर से सुनती है, और जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो दुनिया कान लगाकर सुनती है। हिंदुत्व के ये दो सबसे बड़े चेहरे हर किसी के चहेते हो गए। पीएम मोदी की तरह अब योगी भी विश्व में छा गए हैं। पीएम मोदी में जनता को प्रधान सेवक की छवि नजर आती है, तो सीएम योगी में बुलडोजर बाबा दिखते हैं। परिवार देश की 130 करोड़ जनता है। अपने कर्म से, संघर्ष से, मेहनत से मोदी और योगी दोनों ही सफलता की बुलंदियों पर हैं, सत्ता के शीर्ष पर हैं। इतना बड़ा कद, फिर भी कभी अपनी मां को नहीं भूले। मां के आंचल में, मां के चरणों में आपने पीएम मोदी को कई दफा देखा होगा। योगी भी बतौर सन्यासी सांसारिक मोहमाया से दूर एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से माँ के अस्तित्व को कभी निकाल नहीं पाए। जब जब मौका मिला अपनी माँ से मिलने सीधे अपने गांव पहुँचे, लेकिन इस बार अपनी माँ के प्रति इस बेटे के मन में कितना सम्मान है, कितना प्यार है, उस वक्त दुनिया को नजर आया जब भरे सदन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वेदव्यास के श्लोकों को पढ़ा। वैदिक श्लोकों का जिक्र कर ये बताया कि माँ महान क्यों है। सदन में महिलाओं के विषयों पर आरक्षित दिन पर अपने प्रस्तावना भाषण में योगी जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। भले ही महर्षि वेदव्यास के श्लोकों की ये चंद पंक्तियां सीएम योगी ने महिलाओं की महानता, नारी शक्ति पर बोला, लेकिन वो दुनिया को ये भी बताना चाहते थे कि माँ जैसा कोई नहीं। यूपी की विधानसभा में महर्षि वेदव्यास के श्लोक की गूंज सुनाई दी। वेदों के ज्ञाता, महाकाव्य महाभारत के रचयिता, आदि गुरु महर्षि वेदव्यास एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की। समस्त मानव जाति के गुरु कहलाए, भगवान विष्णु के अवतार कहे गए, जो द्वापर युग में इस ब्रह्मांड में सभी वैदिक ज्ञान को लिखित शब्दों के रूप में रखने और इसे सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए पृथ्वी पर आए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के हाथों महाभारत जैसे महान ग्रंथ को मनुष्य जाति के लिए उपलब्ध करवाए और पुराणों समेत सनातन धर्म के चारों वेदों की व्याख्या की। ऐसे में आइए जानते हैं महर्षि वेदव्यास के अमूल्य विचार क्या कहते हैं। महर्षि वेदव्यास के अनमोल विचार, किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। अत्यंत लोभी का धन तथा अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो सज्जनता का अतिक्रमण करता है उसकी आयु, संपत्ति, यश, धर्म, पुण्य, आशीष, श्रेय नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में संभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है।
जो मनुष्य क्रोधी पर क्रोध नहीं क्षमा करता है, वो अपनी ओर क्रोध करने वाले की महासंकट से रक्षा करता है। वो दोनों का रोग दूर करने वाला चिकित्सक है। जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ जय है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वो मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है, पुनः पुनः किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। मुझे महर्षि वेदव्यास की पंक्तियां याद आती है, जो उन्होंने नारी शक्ति के बारे में कहा है, खासतौर पर मातृशक्ति के बारे में, कि नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा भी नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं है, और मां के समान कोई प्रिय भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि मातृशक्ति के प्रति अगर ये भाव हर नागरिक के मन में आ जाए तो मुझे लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो, आजादी के बाद इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए, काफी प्रगति भी हुई। उन मुद्दों पर आज यहां पर चर्चा भी होगी, लेकिन भारत जैसे देश में, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, भारत के अंदर बिना भेदभाव के महिला हो या पुरुष, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार का जो अधिकार दिया था, इसमें महिला और पुरुष के बीच में कोई अंतर नहीं था। और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को भारत के अंदर पहले सामान्य निर्वाचन से अपना मत देने का पूरा अधिकार भारत ने लोकतंत्र अपनाने के बाद से देना प्रारंभ किया।